आज का दंगल विदेश में राहुल के बयान पर देश में मचे बवाल पर है। राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे में भारत के लोकतंत्र को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक पर बयानी की थी, जिसको गलत करार दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। ऐसा आरोप लगाकर बीजेपी ने दोनों ही सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर डाली है। थोड़ी देर में गिरिराज जी हमारे साथ होंगे, जिनके साथ हम सीधे सवाल पूछेंगे कि इस तरह की मांग एक केंद्रीय मंत्री की ओर से क्यों की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने दो बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसमें एक है अदाणी मसले पर जेपीसी जांच की मांग और दूसरा है केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। खासकर अदाणी मसले पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च करके अपना विरोध जताया है। दिन भर के शोर शराबे में संसद में आज कामकाज नहीं हो सका, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित है। एक महीने के बाद संसद की कार्यवाही आज शुरू हुई थी छुट्टी के बाद, लेकिन आज भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। बीजेपी और विपक्षी दल अपने अपने मुद्दे को लेकर शोर मचा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने विदेश में बयान देकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की है? अगर हां तो भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी को सदन के भीतर क्या माफी मांगनी चाहिए, जिसकी मांग बीजेपी कर रही है? और क्या विपक्ष के मुद्दों और मांगों पर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा बना लिया है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिस पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में दो जगह सियासत गर्म, सदन में बयान पर घमासान, सड़क पर घोटाले का घमासान। दोनों सदनों में बीजेपी हमलावर कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला करने वाले बयान पर राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस सड़क पर उतरी थी कि अदाणी घोटाले की जांच क्यों नहीं करा रही सरकार। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए गए एमरजेंसी। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में है। कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के, लोकतंत्र जब खतरे में है। विश्वासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। हालांकि सदन में सरकार के बयान के दौरान कांग्रेस पार्टी विरोध जताती रही और राज्यसभा में तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को दूसरे सदन का सदस्य बताकर इस मुद्दे को ही खारिज करने की कोशिश की। इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है,
संसद में सरकार राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर मुद्दा बना रही है। लोकतंत्र की बदनामी के अलावा सेना, सरकार, न्यायपालिका और चुनाव आयोग तक सवाल उठाने पर माफी की मांग कर रही थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 16 विपक्षी दलों की बैठक में दो मुद्दों पर सरकार को घेरने की एक राय बनी थी। कांग्रेस एक तरफ अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जगह जगह राजभवन मार्च का आयोजन किया गया था। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्षी दलों के सांसद गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर प्रदर्शन कर रहे थे। हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहाँ पर सेमिनार में डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजिंग से लेकर सियोल तक के बयानों की फहरिस्त गिना रहे थे, लेकिन सरकार का सवाल सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक राहुल के बयान भारत की साख पर सवाल उठाते हैं। जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल। सियासत के सवाल सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से, आरोपों की बौछार दोनों तरफ से, मांग और ऐलान दोनों तरफ से है, लेकिन सियासत की ये बहस समाधान नहीं सिर्फ शोर की ओर बढ़ती दिखाई देती, कार्रवाई नहीं कोहराम की ओर बढ़ती दिखती है। बयानबाजी और दिखावटी घमासान की ओर बढ़ती दिखाई देती है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।